Classification, implementation, and then selected universities. Ortho radiomics topic. So first we need classification. It based on the tissue origin. कि जो बोन का ट्यूमर है वो बोन से आया है कि कार्टिलेज से आया है, फाइब्रस टिश्यू से आया है, बोन से, ब्लड वेसल से, कि मिक्स्ड है कि अनसर्टेन ओरिजिन है. एंड यू विल गेट अराउंड 30-35 ट्यूमर्स. प्रिज्यूम टू अराइज फ्रॉम स्केलेटल टिश्यू और अदर टिश्यू इन बोन, जैसे कि कोई मैरो से है कि मसल से है या ब्लड वेसल से है. सो प्योरली स्केलेटल है कि नॉन स्केलेटल है, कोई जॉइंट्स अराइज है कि कोई नॉन अननोन ओरिजिन है या नॉन नियोप्लास्टिक है. सो सबसे पहले फर्स्ट विल डिस्कस स्केलेटल टिश्यू, जो कि बोनी पार्ट जिसके अंदर में होगा. सो इन बोनी ओरिजिन विल डिस्कस बोनी. अब स्केलेटल में दो चीज़ आएगी, एक बोनी आएगा, एक कार्टिलेजिनस आएगा. बोनी में भी बेनाइन और मेलिग्नेंट दो टाइप से होंगे. तो बेनाइन जो रहेगा उसमें ये मतलब होगा बॉडी में तो लीथल नहीं होगा, और यदि मेलिग्नेंट है बोनी ओरिजिन तो वो लीथल हो सकता है. सो बेनाइन में जैसे बोनी आइलैंड, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियॉइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, मेलिग्नेंट में ऑस्टियोसार्कोमा, ये लीथल ट्यूमर है. चेस्ट में मैक्स करेगा और पेशेंट जो है वो इसकी अल्टीमेटली डेथ हो सकती है फ्रॉम ट्रीटमेंट नहीं किया गया. तो कार्टिलेजिनस ओरिजिन भी पार्ट स्केलेटल का ही है, तो उसमें भी बेनाइन है जैसे कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, स्पेलिंग गलत लिखी है, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड फाइब्रोमा, और मेलिग्नेंट है कॉन्ड्रोसार्कोमा, तो वो भी फिर आगे जाके मेट्स करेगा और पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी. थर्ड कार्टिलेजिनस स्केलेटल थर्ड कंपोनेंट है फाइब्रस. तो बेनाइन में जैसे FCD, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, डेस्टोप्लास्टिक फाइब्रोमा, फाइब्रोमेटोसिस, एटिपिकल पेजेट डिजीज, और मेलिग्नेंट में फाइब्रोसार्कोमा एंड फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा. एंड जाइंट सेल कंटेनिंग, ये एक अलग से कैटेगरी है जो कि हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए बनाते हैं. जाइंट सेल जो होता है वो हमको नेकेड आई से नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोपिकली दिखता है. सो बेनाइन में जैसे जाइंट सेल ट्यूमर, एनिलिज्मल बोन सिस्ट, हाइपर पैराथायराइड, ब्राउन ट्यूमर्स, और मेलिग्नेंट में पेजेट सार्कोमा, मेलिग्नेंट जाइंट सेल ट्यूमर. तो जाइंट सेल ट्यूमर की दो कंपोनेंट होता है, इधर बेनाइन वन और बेनाइन बट एग्रेसिव वन, जिसको मेलिग्नेंट में फिर बाद में रखा जाए. अदर टिश्यू इन बोन जैसे ब्लड वेसल से आया, नर्व से आया या फैट से आया. तो ब्लड वेसल्स के जैसे आप बस नाम सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से कंपोनेंट पर ट्यूमर है. हेमेंजियोमा, सिस्टिक एंजियोमेटोसिस, ग्लोमस ट्यूमर, हेमेंजियोपेरिसाइटोमा, हेमेंजियोमेटोसिस, देन मेलिग्नेंट में एंजियोसार्कोमा. नर्व से आया तो न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरिलेमोमा. फाइब्रोमा मतलब ये दोनों नर्व शूट ट्यूमर है. देन मेलिग्नेंट न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा. पेट से आया तो इट इज लाइकोमा, और यदि सार्कोमा है तो वो मेलिग्नेंट है. तो क्या क्या मोडलिटी हमारे पास है, व्हाट मोडलिटी वी हैव टू डिटेक्ट दिस ट्यूमर्स. प्लेन रेडियोग्राफ द अल्टीमेट मोडलिटी. सबसे पहले तो प्लेन रेडियोग्राफी करेंगे. देन सिटी स्कैन. सिटी स्कैन उसका बोनी कंपोनेंट देखने के लिए. सिटी में हम सॉफ्ट टिश्यू को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे. देन MRI उसका सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट, हेमरेजिक कंपोनेंट, नेक्रोटिक कंपोनेंट, ये सब देखने के लिए MRI. रेडियोन्यूक्लाइड स्कैनिंग की जब बॉडी में उसकी एक्टिविटी देखना है कि वो ट्यूमर जो है कितना एक्टिव है, तो रेडियोन्यूक्लाइड स्कैनिंग. और पैट स्कैन जो 18-fluorodeoxyglucose बॉडी में इंजेक्ट करके करता है, ये फाइनली कि वो ट्यूमर मेटास्टेटिक तो नहीं है, और यदि मेटास्टेटिक है तो कहाँ कहाँ पर मेटास्टेटिक है. तो ये पांच मोडलिटी होती है जिसकी वजह से हम बोन ट्यूमर को एवेल्युएट करते हैं. एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, रेडियोन्यूक्लाइड स्कैनिंग एंड पैट स्कैनिंग. अब किसी भी ट्यूमर को आप कैसे पहचानेंगे, आपके सामने ट्यूमर है एक्सरे में, आप कैसे पहचानेंगे कि ये ट्यूमर जो है ये है और ये ट्यूमर ये नहीं है. तो कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप एज ए डिटेक्टिव उसको डिटेक्ट करेंगे कि ये पॉइंट इसके फेवर में है तो ये ट्यूमर है, और ये पॉइंट नहीं है तो ये ट्यूमर ये बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट का सेक्स क्या है. पेशेंट का सेक्स मेरे ख्याल से इतना मायने नहीं रखता है, पेशेंट की एज सबसे ज़्यादा मायने रखती है. देन सेकेंड, कि सिंगल ट्यूमर है कि मल्टीपल ट्यूमर है. तीसरा, स्केलेटन में लोकेशन कहाँ पर है, मतलब एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस.
चौथा लोकेशन इन पर्टिकुलर बोन, अच्छा ये लोकेशन है एपी मेटर डाया सेंट्रल इसेंट्री, ये लोकेशन इन द स्केलेटन मतलब कि कौन सा बोन है, ह्यूमरल है, फीमर है, टिबिया है। फिर पांचवा उसकी मॉर्फोलॉजी, तो ये मॉर्फोलॉजी जो होती है ना ये डिटेल में हम एक्सरे देख के ही समझ पाएंगे कि उसकी बॉर्डर कैसी है, उसने बोन डिस्ट्रॉय किया कि है कि नहीं, पेरियोस्टल रिएक्शन कैसा है, मैट्रिक्स कैसा है और सॉफ्ट टिश्यू मास कैसा। ये सारे ट्यूमर होते हैं जो हमने अभी पढ़े, सिंपल बोन सिस्ट, एविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रो, सारे ट्यूमर हैं। सबकी एज ग्रुप दी गई है कौन सी एज में कौन सा कॉमन है। अच्छा बाईमोडल एज प्रेजेंटेशन किसका है, ऑस्टियोसार्कोमा का, यू कैन सी इन सेकेंड डिकेड एंड ऑल्सो इन सेवन डिकेड, सिक्स टू सेवन डिकेड। सो दिस इज द बोन ट्यूमर विच मिमिक्स द बाईमोडल एज ग्रुप। वैसे ही लिम्फोमा एक ट्यूमर होता है जिसका बाईमोडल एज ग्रुप होता है, और भी दो तीन ट्यूमर होते हैं बॉडी में जिसके बायोमॉडल एज ग्रुप होते हैं, या तो होगा बचपन में नहीं तो होगा पचपन में। रेडियोग्राफी, सो इन्फॉर्मेशन बाय रेडियोग्राफी हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, साइट ऑफ द लीजन, बॉर्डर ऑफ द लीजन, टाइप ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, पेरियोस्टल रिएक्शन, ये सब वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग है जब तक आप एक्सरे में नहीं देखेंगे। चलिए तो फिर हम एक बोन में एक पिक्टोरियल समझ लेते हैं। तो बताओ ये बॉर्डर बता रहा है ट्यूमर की, अब बॉर्डर में शार्प बॉर्डर, नैरो जोन ऑफ ट्रांजिशन, ये मैट्रिक्स बता रहा है कि मैट्रिक्स में अंदर वो कार्टिलेज है कि कैल्सिफाई है। फिर ये चीज़ क्या आ रही है, ये बोन से जो निकल रही है ये पेरियोस्टियल रिएक्शन है, तो पेरियोस्टियल रिएक्शन के टाइप देख लो आप यहाँ पे, इंटरप्टेड मतलब छूटा छूटा है बीच में, सॉलिड ये एकदम ही ठोस सा है। देन ये बोन डिस्ट्रक्शन बता रहा है, बोन डिस्ट्रक्शन ये यहाँ पे बोन है ही नहीं तो ये ज्योग्राफिक ये पूरा का पूरा एरिया ही उड़ा दिया। देन तीसरा मोथ हिटन और तीसरा ये परमेटिव है, परमेटिव मतलब डॉट 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 डॉट, और चौथा हो गया मल्टीप्लिसिटी, इसको ज्योग्राफिक नहीं बोलेंगे इसको मल्टीप्लिसिटी बोलेंगे। देन सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन या सॉफ्ट टिश्यू मास, और साइड में एपिफाइसिस, दिस इज मेटाफाइसिस एंड दिस इज डायफाइसिस। सो ट्यूमर पोजिशंस इन बोन, अब हम एक एक करके ट्यूमर की साइट के हिसाब से देखेंगे कि उस साइट पे कौन कौन से ट्यूमर होते हैं। तो तुम बस इस डायग्राम को देखो, यहाँ देखो एपिफाइसिस लिखा है, एपिफाइसिस में आपका सबसे पहले जो यहाँ पे होगा वो होगा ये कॉन्ड्रोब्लास्टोमा और जायंट सेल ट्यूमर जिसको अपन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा भी बोलते हैं। तो एक निमोनिक होता है इसके लिए, क्या निमोनिक है किसी को पता है, ECG, एपिफाइजियल कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जायंट सेल ट्यूमर, ब्लड जिंदगी भर काम आएगा ECG। मेटाफाइजियल जो कि एनकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, देन ऑस्टियोब्लास्टोमा तो डायफाइजियल होता है, ऑस्टियोमा सिंपल बोन सिस्ट, कॉन्ड्रोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, मेटास्टेसिस। डायफाइसियल, मेटा डायफाइसियल में कॉन्ड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा, कॉन्सिपिंग फाइब्रोमा, ऑस्टियोडायस्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, फाइब्रस डिस्ट्रेसिया, कॉन्ड्रोसार्कोमा। लास्टली डायफाइसियल, तो डायफाइसियल में ऑस्टियोडायस्टोमा, ये ऑस्टियोडायस्टोमा, और ये यहाँ भी होता है, मेटा डायफाइसियल भी होता है, मेटाफाइसियल भी होता है, एडमेंटिनोमा जॉ का जो ट्यूमर होता है, देन एविंग सार्कोमा, मेटास्टेसिस, मल्टीपल माइलोमा, NHL। बहुत एक एक करके पढ़ते हैं आगे। अब ये एपिसेंटर को डिस्कस करते हैं कहाँ होगा, तो या तो सेंट्रल होगा या पैर ऑस्टियल मतलब ऑस्टियम के बगल में, पेरियोस्टियम के बगल में, इसेंट्रिक मतलब कोने में किसके, बोन के अंदर, पर बोन के ही अंदर में कोने में, कॉर्टिकल जब वो कॉर्टेक्स में और आधा बोन में है, एंड इंट्रा आर्टिकुलर जब वो जॉइंट पे है। तो क्या क्या हुआ, सेंट्रल, पैरास्टियल, इसेंट्रिक, कॉर्टिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, ये फिर से सारे ट्यूमर है, सबकी पोजिशनिंग दी गई है। तो तुम बस ये याद रखो कि तुम्हारे इसेंट्रिक ट्यूमर कौन कौन से होते हैं, तो इसेंट्रिक में जायंट सेल ट्यूमर होता है। आप अपने इंटर्नशिप में, PG में 5-6 ही ट्यूमर है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाएंगे, पहला ऑस्टियोसार्कोमा, दूसरा एनिडिजमल बोन सिस्ट, तीसरा जायंट सेल ट्यूमर, चौथा कॉन्ड्रोसार्कोमा और पांचवा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। उसके अलावा ये सब ट्यूमर्स पे क्वेश्चन आना, ये CMF, ये सब पे बहुत ज़्यादा रेयर है।
और एक ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑस्टियोमा, जो मल्टीपल ऑस्टियोमास होते हैं बॉडी में, उस पर एक सिंड्रोम होता है, उस पर आप क्वेश्चन पास करते हैं। बोन लीजन्स के बिहेवियर कैसे होंगे? तो ऑस्टियोलाइटिक मतलब बोन डिस्ट्रक्टिव और ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बोन फॉर्मिंग। हम देखेंगे ये सब ट्यूमर है जो कि ऑस्टियोलाइटिक के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक के होते हैं। वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हेलो, चलो दीज आर द पैटर्न ऑफ ऑस्टियोलाइटिक डिस्ट्रक्शन। ये जियोग्राफिक है, टाइप 1, माउथ रिटर्न एंड लास्टली परमिएटिव। लेट्स सी कैसा दिखता है ये जियोग्राफिक डिस्ट्रक्शन। ठीक, ये माउथ रिटर्न है, माउथ रिटर्न एंड दिस ई एंड एफ इज परमिएटिव। ये ऑस्टियो रिस्पॉन्स, तो ये अनइंटरप्टेड है, तो अनइंटरप्टेड में सॉलिड बट्रेस, सॉलिड लॉन्गिट्यूडनल, सॉलिड अनड्यूलेटेड, देन इंटरप्टेड में परपेंडिकुलर है कि परपेंडिकुलर वेलवेट है, लेमिलेटेड ओनियन स्किन। ओनियन स्किन किस में मिलता है, कौन से ट्यूमर में? सॉरी, कॉर्डमेन ट्रायंगल। ठीक है, एक एक ट्यूमर देखेंगे बाद। दिस इज सनबर्स्ट पैटर्न। क्या ट्यूमर है? ऑस्टियो सार्कोमा, है ना? दिस इज एविंग सार्कोमा, जो लेमिलेटेड बोल रहा था ना, एविंग सार्कोमा। ये लेमिलेटेड पेरियोस्टियल रिएक्शन, एविंग सार्कोमा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑस्टियोब्लास्टिक है, कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्स है, अब आते हैं मेन चीज कि आप कोई एक्सरे देख रहे हैं तो ये बता दो सबसे पहले कि ये एक ट्यूमर है। आपको नाम नहीं बताना, आपको ये डायग्नोस करना है सबसे पहले कि हाँ ये एक ट्यूमर है। दूसरी चीज डायग्नोसिस ये बनानी है कि ये बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। ठीक है, इतना होने पर ही आप उस पेशेंट को सही तरीके से डायरेक्ट कर सकेंगे कि यदि बेनाइन है तो वी कैन वेट, मेलिग्नेंट है तो वी हैव टू मूव वेरी एग्रेसिवली। सो क्लस्टर ऑफ फीचर्स दैट कैन गैदर फ्रॉम रेडियोग्राफ कैन हेल्प इन फेवरिंग वन डेजिग्नेशन ओवर द अदर। सो बेनाइन लीजन यूजुअली हैव वेल डिफाइंड स्क्लेरोटिक बॉर्डर्स, इट एग्जिबिट अ जियोग्राफिक टाइप ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, द पेरियोस्टियल रिएक्शन इज सॉलिड एंड अनइंटरप्टेड एंड देर इज नो सॉफ्ट टिश्यू मास। मेलिग्नेंट में वी हैव डिफाइंड वेली डिफाइंड बॉर्डर्स विद अ वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है? जोन ऑफ ट्रांजिशन ये होता है कि आपके नॉर्मल और एबनॉर्मल बोन के बीच की लाइनिंग। जब वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है तो जो एबनॉर्मल बोन है वो बहुत देर तक, दूर तक एबनॉर्मल रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी नॉर्मेलिटी चालू होती है, तो उसको अपन बोलते हैं वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन। जबकि बेनाइन ट्यूमर्स में एक शार्प डिमार्केशन होता है बिटवीन द नॉर्मल एंड द एबनॉर्मल बोन, जिसे आप देखेंगे यहाँ पर। जियोग्राफिक जो लीजन है
इसमें एक शार्प जोन ऑफ डिमार्केशन है बिटवीन एबनॉर्मल एंड द नॉर्मल बोन, तो ये दिखा रहा है कि ये बेनाइन है, और यहाँ पे यू कांट अप्रिशिएट कैन नॉट अप्रिशिएट कि ये मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो जाके नॉर्मल कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे आप ट्यूमर बेनाइन है कि मेलिग्नेंट है ये पकड़ पाएंगे। देन द पेरिओस्टियम शोज एन अनइंटरप्टेड सनबर्स्ट और ऑनियन स्किन रिएक्शन एंड बेनाइन रीजन में ऑल्सो एग्जिबिट द एग्रेसिव फीचर्स। कौन से बेनाइन ट्यूमर होंगे? जायंट सेल ट्यूमर जैसे बेनाइन ट्यूमर। सो बेनाइन रीजन के फेवर में क्या क्या पॉइंट है? इट इज वेल डिफाइंड, देख लो यहीं देख लो इसको, वेल डिफाइंड। इट हैज स्क्लेरोटिक बॉर्डर, लैक ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मास, सॉलिड पेरिओस्टियल रिएक्शन एंड जियोग्राफिक बोन डिस्ट्रक्शन। मेलिग्नेंट लीजन जो होगा वो इंटरप्टेड पेरिओस्टियल रिएक्शन, मॉथ ईटन और परमिटिव बोन डिस्ट्रक्शन, सॉफ्ट टिश्यू मास उसका अच्छा खासा रहेगा एंड देर इज अ वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो लेट सी सम बोनी ट्यूमर, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, बोनी आइलैंड, ऑस्टियोमा, आगे एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, चलो भाई एज ग्रुप क्या है? 20 साल। ठीक है, ऑस्टियो मतलब बोन भी है, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज भी है। सो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बोन पे एक एक्सोस्टोसिस है जिसपे कार्टिलेज की कैप है। पेशेंट एसिम्टोमेटिक है। मोस्ट पीपल कंप्लेन क्या होता है? हार्ट सा एक मास है नियर अ जॉइंट, सेसाइल हो सकता है, हो सकता है। ये कैसा है? पेडंकुलेटेड है। ये कैसा है? सेसाइल है। तो ये आपका डिस्टल फीमर पे है, वही साइट की बात हो गई कि साइट कहाँ पर रहेगा। दूसरी बात ये आती है कि ये कौन सा ट्यूमर है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मेटाफाइजल ट्यूमर है। तो इट कैन रिप्रेजेंट पेडंकुलेटेड लीजन ग्रोविंग अवे फ्रॉम द जॉइंट ऑन द मेटाफाइसिस ऑफ द इन्वॉल्व बोन। Can you see a metaphyseal lesion arising from the joint and it has stopped, so it is pedunculated one, और इस पर cartilaginous cap है जो कि हमें MR में ही पता चलता है, X-ray में नहीं पता चलता। ये sessile वाला exostosis है, this is again exostosis, polyflower osteochondroma. हेरिडिटरी मल्टीपल एक्सोस्टोसिस एक टर्म होता है HME, उसको बोलते हैं डायफाइजियल एक्लेसिस। बहुत सारे ट्यूमर होंगे, मल्टीपल एक्सोस्टोसिस, यहाँ भी ट्यूमर है, यहाँ भी ट्यूमर है, यहाँ भी ट्यूमर है, दिस इज डायफाइजियल एक्लेसिस। सेकेंड ट्यूमर जो बेनाइन है बोन आइलैंड जो होते हैं उसको बोलते हैं एनोस्टोसिस। एनोस्टोसिस मतलब बोन के अंदर, तो बोन आइलैंड जो होते हैं वो एपीमेटाफाइजियल होते हैं, बोन के अंदर है इसलिए मेडुलरी है। कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, स्क्लेरोटिक लीजन्स होंगे बोन के अंदर में, बहुत कॉमन है। तो इसकी डीडी बन सकती है कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टिक मैट्स। अब ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, एज ग्रुप क्या है? 10 to 25 ईयर, मेल टू फीमेल रेशियो में मेल में ज़्यादा होता है। और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के ऊपर क्वेश्चन ये आता है प्री क्वेश्चन में कि ये ट्यूमर है, डबल ओ के नाम से याद रखना आप लोग, ऐसे नहीं तो कंफ्यूजिंग रहता है। डबल ओ ट्यूमर है जो नाइट में पेन करता है, इसके अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होता है और इसीलिए नाइट में एस्पिरिन देने से पेशेंट को आराम पड़ जाता है। ठीक है, दिखता है ये ट्यूमर ऐसा दिखता है। ये ट्यूमर ऐसा दिखता है, छोटा सा ट्यूमर रहेगा, उसके अंदर एक नाइडस रहेगा, नाइडस मतलब एक बोनी पॉइंट रहेगा जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता रहेगा और पेशेंट को पेन रहेगा नाइट में। तो इट इज मेटाफाइजियल डायफाइजियल ट्यूमर, जियोग्राफिक लोकेशन इसेंट्रिक होता है और इसमें एक नाइडस होता है, जो नाइडस का साइज लेस देन 1 centimeter होता है। ऑस्टियोब्लास्टोमा इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ट्यूमर है ऑस्टियोमा। अब कंफ्यूज मत होना, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा अलग था नाइट पेन वाला और ऑस्टियोमा अलग है।
ऑस्टियोमा जो होता है बेसिकली स्कल में मैंडिबल पे मतलब फ्लैट बोन्स पे ज़्यादातर होता है, तो वो ऑस्टियोमा होता है। कैसा दिखेगा ये रहा ऑस्टियोमा, नाउ दिस इज ऑस्टियोमा, दिस वन इज ऑस्टियोमा, इज ऑस्टियोमा बोनी प्रोट्रूबरेंस, दिस वन इज ऑस्टियोमा। कमिंग टू दर द बॉस ऑफ ऑल ट्यूमर इज ऑस्टियोसार्कोमा, इट इज ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा एंड इट इज डिवाइडेड इंटू सेंट्रल ऑस्टियोसार्कोमा, मल्टीसेंट्रिक, पैराऑस्टियल, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कोई और बीमारी पहले से थी, जैसे पेजेट डिजीज थी, फाइब्रस डिस्प्लेरिया था, उसमें हो गया एंड एक्स्ट्रा ऑस्टियस। पैथोलॉजिक क्लासिफिकेशन इंक्लूड कि ऑस्टियोब्लास्टिक है, कि कॉन्ड्रोब्लास्टिक है, कि फाइब्रोब्लास्टिक है, एनाप्लास्टिक है, टेलेंगेक्सेटिक है। ये सब आप डिटेल जो है इसकी पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। देन क्लिनिकल फीचर, 10 to 25 ईयर एज, और ये ट्यूमर कहाँ होता है, मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस, डायफाइसिस में। मेटाफाइसिस, सो मेट्स टू द लंग, ये भी पता है आपको। स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स इज अ कॉमन इनिशियल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, स्केलेटल मेट्स में अकर। तो ये एक मेटाफाइसियल ट्यूमर है, यू कैन सी दिस इज मेटाफाइसियल ट्यूमर, और इसमें दोनों ही चीज़ें दी गई है कि लाइटिक वर्सेस स्क्लेरोटिक, दोनों तरीकों से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये स्क्लेरोटिक है, ये भी स्क्लेरोटिक है, तो दिस इज ऑस्टियोसार्कोमा जो टीबीएल मेटाफाइसिस पे है। ये एक इंटरप्टेड टाइप ऑफ पेरिओस्टियल रिएक्शन शो कर रहा है, सन बर्स्ट अपीयरेंस। अगेन इसमें दोनों तरीके के इसका पैटर्न देखो, वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, मेटाफाइसिस पे है, ये पेरिओस्टियल रिएक्शन दिख रहा है सनबर्स्ट हमें, प्लस ये क्वाड्रेंट ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ लिखा होगा क्वाड्रेंट ट्रायंगल, ये दिख रहा है एलिवेशन, बोन पे एलिवेशन, ये बोन इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ से कि टूट गया और ये पार्ट एलिवेट हो गया। So this is the permeative or ivory medullary lesion in the metaphysis of a long tubular bone, and these are the mats, rounded mats of osteosarcoma. Age group bhi peculiar hai, 20 years, matlab 10 to 20 years mein second decade of life mein, aur iska bimodal age presentation bhi hai, it can present also in after 60 years. मल्टीसेंट्रिक ऑस्टियोसार्कोमा, ट्यूबुलर सॉरी रेडियस पे भी है एंड दिस इज अल्ना पे भी है। पैराऑस्टियोसार्कोमा, पैराऑस्टियोसार्कोमा कहाँ रहेगा, बोन से जस्ट बगल में रहेगा बोन के, नाम से क्लियर है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जक्स्टा पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कॉर्टेक्स, जक्स्टा मतलब नियर। तो टिपिकल एज रेंज इसकी पैराऑस्टियल की थोड़ी अलग है, 30 to 50 ईयर है। कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये बोन से जस्ट बगल में रहेगा पेरोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा की जो अंडरलाइन कंडीशंस है वो पेजेट डिजीज हो सकती है, पॉलीऑस्टियोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, ये आपको बताया मैंने, एचएमई, अभी एचएमई मतलब डायफाइसियल एक्रेसिस, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास या एनकॉन्ड्रोमेटोसिस, पॉलियस डिजीज, कोई आयनाइजिंग रेडिएशन की हिस्ट्री है उसको। दिस इज पेजेट सार्कोमा, बाद में इट में लैंड अप इनटू ऑस्टियोसार्कोमा। ओके थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।